कक्षा आठवीं की जो फाइनली आप हमें यहाँ पर अंग्रेजी पेपर लेके आ चुके हैं, आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अंग्रेजी पेपर अपना कल फाइनली आपका यहाँ पर अंग्रेजी पेपर आ चुका है। साथ ही स्टूडेंट आपका यहाँ पर अंग्रेजी पेपर आपके यहाँ पर 31 मार्च को होने वाला। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, और साथ ही आप यहाँ पर अंग्रेजी पेपर पूरी पूरी मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंटर देखिए, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर रहते हैं 82/50/2022-23, ठीक है। पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहेगा, कुल प्रश्न संख्या अभी 24 रहने वाली है। परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा आठवीं आपके यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पर अंकों और शब्दों में रोल नंबर डाल देना है, शाला का नाम डाल देना, डाइस कोड और परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा देना है, यानी आपके 31 मार्च को होने वाला अंग्रेजी पेपर, तो आपको वही यहाँ पर डेट डाल देनी है। साथ ही उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखते हैं किस तरह से आपको रोल नंबर भरना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपके यहाँ पर अंग्रेजी पेपर, चलिए वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सबसे करिए, हम बड़ी मस्त आपके लिए यहाँ पर अंग्रेजी पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जो अंग्रेजी पेपर वो दिखाते हैं, चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, आपके यहाँ पर 1 से 10 तक आपके यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, यानी आपके बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो आप यहाँ रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो आपका आता पैसेज है, तो इस पैसेज को पूरा आपके यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इस पैसेज को आपको पूरा यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा। आप यहाँ बताते हैं वन डे अ मैन वाज वॉकिंग थ्रू आर डेजर्ट आफ्टर समटाइम ही फेल्ट थर्स्टी, ठीक है। इस तरह से आपका दिया ही पाउंड आ ट्री, तो इस तरह से आपका पूरा पैसेज आपके यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। आप चलिए इनके जो आपके क्वेश्चन आए थे, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले, सिर्फ आपको पूरा आपको पैसेज ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, तो आपका पहला आता आ मैन बाज बॉलकिंग थ्रू, ठीक है। तो आपका ए आता आ डिसार्ट, बी आता आ पार्क है, और सी आता आ रोड, और डी आता आ फॉरेस्ट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देते हैं आ मैन बाज बॉलकिंग थ्रू, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ए। तो आपके यहाँ पर इसमें क्या बनना, आपके यहाँ पर लिख देना आ, ठीक है। आपके यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना आ डिसार्ट, ठीक है, ए आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको जो यहाँ पर आंसर हो जाता है, आपके यहाँ बताते आ मैन बाज बॉलकिंग थ्रू, तो इसका आंसर आपका रहेगा आर डैश आर्ट। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता द ग्लास बाज फाइल्ड विथ, ठीक है। आपके एक एक नंबर के आप यहाँ पर दिख लीजिए, तो आपका दूसरा आता द ग्लास बाज फाइल्ड विथ, तो इसको ऑप्शन दिख लेते हैं। तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, तो ये आता है कोल्ड वाटर, और बी आता हॉट वाटर, और सी आता है जॉइस, और डी आता है बटर मिल्क। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला कोल्ड वाटर, ठीक है। आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर रहेगा कोल्ड वाटर, तो आपके यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। हम आपके यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं कोल्ड वाटर, ठीक है, ए आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, आपके यहाँ पर दूसरे का एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है द मैन फाउंड डॉट डॉट इन द डिसार्ट, तो ए आता ए हार्ट, और बी आता आर्टरी, और सी आता एन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, और डी आता आ कॉइन। तो आप कहते हैं द मैन फाउंड डॉट डॉट इन द डिसार्ट, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, आर्टरी, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरे का बी करेक्ट आंसर रहेगा आर्टरी, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आर्टरी लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा हो जाता है। साथ ही इनको ये यहाँ पर याद करते चाहिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। अब आपके यहाँ पर चौथा आता है द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड सेट इज, तो इसका आपको पास्ट सेंट में बताना, ठीक है। तो आपका ये आता सिटिंग, और बी आता सेट, और सी आता सिटेड, और डी आता सिट, ठीक है। तो जो आपका चौथा आता द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड सेट इज, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा बी सेट, ठीक है। पास्ट में आपके यहाँ पर सेट रहेगा, तो इसमें आपके यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके यहाँ पर पाँचवा, तो पाँचवा आता द प्रूलर फ्रॉम द वर्ड ऑफ द वर्ड ग्लासेज, ठीक है, इसका आपको प्रूलर लिखना है, ठीक है। तो आपका ये आता ग्लासेस, और बी आता ग्लासेस, और सी आता ग्लास, और डी आता ग्लासेस, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, पाँचवें का आपका ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर लिख देना ग्लासेस, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर जो भी अक्षर इसमें लिखे हैं वो आपको सेम आंसर में लिखने हैं, ठीक है, तभी आप पूरी पूरी मार्क्स में लेंगे। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपके दिया था पैसे, ठीक है, जो आपका पैसा दिया था, इसके हमने पूरी आपकी 5 यहाँ पर जो दिए थे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन वो हमने करा दिए, साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आप यहाँ बताते हैं आपके यहाँ पर आती हैं लुक एट द पोस्टर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका पोस्टर आता है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका यहाँ पोस्टर आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए आपका पोस्टर आता है, तो इसे आपको ध्यान देख लेना। साथ ही इसके क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पर आपका इससे पहला क्वेश्चन आता है
पहले तो आप यहाँ पर जो आपको पोस्टर आता है तो इसे पूरा आपको यहाँ पर ध्यान देख लेना ठीक है। आप यहाँ पर यहाँ पर जिसमें जो आपको पोस्टर में यहाँ पर जो कुछ लिखा पूरा आपको यहाँ पर ध्यान पढ़ लेना, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन रहेंगे इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिलने वाले ठीक है। ये आपका हिंदी में भी आया होगा इसी तरह से ठीक है, आपको चित्र आया होगा हिंदी में तो उसे देख कर आपके आंसर लिखने थे ठीक है। तो इसी तरह से आपके इंग्लिश में भी आएगा। तो आप देखते हैं आपको 6 माह द मैन परपोज ऑफ द पोस्टर इज टू, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर है आपका यहाँ पर आपका 6 मई का आपका डी आंसर रहेगा ठीक है डी। तो आपके यहाँ पर उत्तर में क्या करना, आपके यहाँ पर उत्तर में आपको जो डी आंसर है वो आपको यहाँ पर लिख देना ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए हमें आपका जो आपके यहाँ पर जो आपकी डी जो आपके यहाँ पर डी दिया गया यही आंसर आपके यहाँ पर लिख देना ठीक है। चलिए आपके यहाँ पर साथ में देख लेते हैं, चेंज आवर योर सेल्फ द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड हु सेड दिस ठीक है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं महात्मा गांधी और बी आता सुभाष चंद्र बोस और सी आता चंद्रशेखर आज़ाद और आपका डी आता भगत सिंह। तो अ चेंज योर सेल्फ द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड हु सेड दिस ठीक है। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा महात्मा गांधी जी ठीक है। आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं महात्मा ठीक है, आपके यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, फिर से हम बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी ठीक है। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर आंसर में लिखा है पूरा आपको लिख देना ठीक है। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, अगर आप यहाँ पर चित्र को देख लेंगे तो पूरी आंसर आपसे बन जाएंगे ठीक है। सिर्फ आपको चित्र को ध्यान से देखना हो पूरा पढ़ लेना जो चित्र में यहाँ पर लिखा है। 8 माह था यू विल बी फिनेड इफ यू, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर जो आपके ए ओ बी यहाँ पर सी ओ डी ऑप्शन आते हैं तो इसका आंसर आ रहेगा आपका बी ठीक है। तो आपका इसका बी आंसर रहेगा। साथ ही इसको आपको यहाँ पर लिख लेना पूरा ठीक है, आपको लिख दिखाते हैं टी एच थ्रो ठीक है, थ्रो गारबेज ठीक है, जो आपका लिखा पूरा आपको यहाँ पर लिखना ठीक है। थ्रो गारबेज इन द रेलवे ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर लिखा पूरा आपके यहाँ पर लिखना ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए और आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर लिखे प्री ठीक है, जो आपको यहाँ पर जो भी आपका लिखा तो पूरा आपको सेम लिखना, तभी आपके पूरी मार्क्स आ पाएंगे ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो 8 मई का आंसर रहेगा वो आपको बी रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता 9वां, आ गर्ल टोल्ड हर फादर नॉट थ्रो बनाना स्किन्स अंडर द सेट विच स्टेटमेंट इन द पोस्टर एप्लीकेबल ठीक है टू द अबव सेंटेंस। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर आपका ई ऑप्शन आता है, बी आता है और सी ऑप्शन आता है आपका डी आता है। तो आपका इसका आंसर रहेगा यूज द ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका यूज द डस्टबिन ठीक है। तो इसका आपके यहाँ पर लिख देना यूज द डस्टबिन, ये आपके यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर आंसर रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर जो इनकी स्क्रीन शॉट है वो आप यहाँ पर लेते चलिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां, तो स्टूडेंट आपका 10वां आता है स्वच्छ भारत मिशन इज स्टार्टेड टू, तो आपके यहाँ पर देखते हैं आपका ये आता है पॉपुलराइजेस गांधी जी और भी आता बुल्ड ब्रीडर्स ठीक है, और सी आता मेक इंडिया क्लीन और डी आता बुल्ड रोड। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी मेक इंडिया क्लीन ठीक है, मेक इंडिया क्लीन ये आपके यहाँ पर जो आंसर है वो आपका रहेगा मेक इंडिया क्लीन। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके यहाँ पर दिए गए थे आपके यहाँ पर ठीक है, 10 नंबर के आपके दिए गए थे यहाँ पर ठीक है। जो आपके एक एक नंबर के रहते हैं वो आपके हमने 10 करा दिए पूरे और आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर लिया होगा। और साथ ही इनका स्क्रीन शॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं शॉर्ट आंसर टेप क्वेश्चन ठीक है, आपके शॉर्ट आंसर टेप क्वेश्चन आते हैं, नहीं आपके आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं प्रश्न क्वेश्चन 11 से 20 तक ठीक है। हम आपको हिंदी बता रहे हैं जिससे आप समझ पाएँ और इतने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन 11 था व्हाट शुड बी डू इन डिस्पेयर ठीक है। इसका आंसर लिखना आपको 3 नंबर का रहेगा, आप जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 12वां क्वेश्चन ठीक है, इनका आंसर भी हम बताएंगे पूरी आंसर आपको बताई जाएंगे। 12वां आता विच इंपॉर्टेंट इशू हैज़ बीन रेसेड इन द लेसन सेव द वाटर सेव लाइफ ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है। फिर आपके यहाँ पर 3वां क्वेश्चन आता है, 3वां क्वेश्चन देते हैं भाई शुड बी नॉट थिंक बी आर थ्रो, ये आपके यहाँ आता है 3वां क्वेश्चन। अब आपका 14वां देख लेते हैं, तो आपका 14वां आता है भार डिड द ब्लेजर्स रिक्वेस्ट द एक्स मैन ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहता है 14वां क्वेश्चन। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले जल्दी पूरी क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएंगे आपके। और 15वां आता हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, ये आपके 3 नंबर के ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोकेड द मजिस्ट्रेट 1921 ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 17वां क्वेश्चन आता है, 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, भाट डू बी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ये आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया साथ ही देख लीजिए और स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 18वां क्वेश्चन ठीक है, हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना। तो आपका 18वां क्वेश्चन हमने करा दिया। फिर आपको 19वां आता राइट एनासोम ऑफ, यानी कि आपको एनासोम लिखना है ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला दूसरा तीसरा यानी आपको तीनों की समा यानी एनासोम लिखनी है ठीक है। फिर आपका 20वां आता है तो आपके फाइनल ब्लैंक्स आते हैं, इसमें आपको यहाँ पर भरना ठीक है।
तो जो भी आपको इसमें भरना है वो आपको हम बता देंगे, आपको वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको पूरा आंसर हम कराएंगे। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 21 से 24 तक आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 21 आता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा, ये आपका 5 नंबर का रहेगा, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन आता है, तो 22वां क्वेश्चन आप यहाँ आते हैं डिस्क्राइब द कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन, इसमें आपके यहाँ पर क्या करना है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है हेड मास्टर पर, ठीक है। आप यहाँ बताइए आपके यहाँ, यानी आपको जो सेक्शन है वो आपको चेंज करवाना है, तो आपको यहाँ पर हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है, यानी आपको रिक्वेस्ट करनी है। फिर आपके यहाँ पर 24वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके यहाँ पर ऐसे यानी आप देखते राइट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको इसमें ऐसे यानी निबंध लिखना है। तो आप माय हॉबी माय स्कूल वन द ऑप्शन, तो आप यहाँ आपका लिखा वन, तो आपको तीन आपके दिए हैं तो किसी एक पर लिखना है। तो आपका इस तरह से पूरा यहाँ पर जो इंग्लिश पेपर है वो आपका हो जाता है। और साथ ही जो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, जो आपके यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ ही जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका आंसर आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपका नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आएगा तो आपके पास सबसे यहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी प्रिपरेशन के सोल्यूशन से, जाते हैं, टेक इन, बाय बाय।